सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं, तो मैं रेड कलर चूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर लेंगे हम, तो यहाँ पर हम अटेंशन लिख ले रहे हैं। एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे एंड जो फॉन्ट है उसको हम ये कर देंगे। इसको एज ए PNG बैकग्राउंड रिमूव करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि इस पर हम एडिट कर सकते हैं। अभी उस PNG को हम कैनवा पे अपलोड कर देंगे एंड मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर लूँगा एंड एडजस्ट कर लूँगा इस तरीके से। एंड ये आप पोजीशन पे जाके लेयर देख सकते हो। इस लेयर को, टेक्स्ट वाला लेयर को, मैं डुप्लीकेट कर दूँगा एंड इसको मैं एकदम एग्जैक्ट वही पोजीशन पे इसको सेट कर दूँगा। फिर गाइज हमें बीच में से एक कट कर देना है, तो कट करने के लिए मैं ऊपर वाला लेयर को नीचे क्रॉप कर रहा हूँ एंड नीचे वाला लेयर को ऊपर क्रॉप कर रहा हूँ। तो ये दोनों अलग अलग लेयर बन चुका है, लाइक फोटोशॉप पे जैसा रहता है वैसा ही। एंड इसका जो टाइमिंग है वो मैं ये कर रहा हूँ एंड इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। फिर सेकंड स्लाइड को मैं इस तरीके से ये टेक्स्ट को, दोनों टेक्स्ट के बीच में गैप कर लूँगा एंड यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐड कर लेंगे इस तरीके से। एंड गाइस एक और टेक्स्ट ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पर आपका जो बीच का पॉपअप टेक्स्ट होगा उसका आप कोई सा भी टेक्स्ट ले सकते हो एंड अगेन आप कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ये वाला फॉन्ट ले रहा हूँ। एंड इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। अभी गाइस इन टेक्स्ट एंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लूँगा एंड इन दोनों को कॉपी कर लूँगा एंड कॉपी करके ये पिछले वाले पेज पे पेस्ट कर दूँगा एंड इसका ओपासिटी मैं घटा दूँगा एंड इसको एकदम छोटा कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हो ये अभी भी है। एंड हम लेयर को कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे ताकि ये हिडन रहे। एंड यहाँ पर आके मैं इस वाले एनिमेशन को चूज़ कर लूँगा एंड इसका जो टाइमिंग है वो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। तो अब देख सकते हो ये हमारा पहला मोशन रेडी हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इसका आउटर मोशन पे। तो नेक्स्ट हम एक स्लाइड क्रिएट कर लेंगे। डुप्लीकेट वाला पेज को मैं एकदम पीछे ले जाऊंगा। फिर सेम एनिमेशन इसके लिए भी हम दे देंगे। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा टाइप का एनिमेशन हमको देखने को मिलता है। एंड इन दोनों को एंड और एक स्लाइड हम ऐड कर लेंगे एंड वो अटेंशन वाला जो दो स्लाइस PNG था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे एंड इसका टाइमिंग हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। टाइमिंग हम काफ़ी कम रखेंगे एंड इसको थोड़ा पोजीशन हम ऐसे कर लेंगे लाइक ये कट हो गया, बीच में से एक स्लाइस होके आ रहा है एंड नीचे गिर रहा है, ऐसा कुछ टाइप का मैं एनिमेशन दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको थोड़ा टिल्ट करके इसको एनिमेशन पर जाके कस्टम एनिमेशन देंगे हम, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। एंड गाइस इसका टाइमिंग हम काफी कम कर लूंगा, इसका एनिमेशन कुछ ऐसा टाइप का आएगा। अब गाइस चलते हैं हमारा नेक्स्ट एनिमेशन पर ताकि ये थोड़ा और क्रिएटिव लगे। तो नेक्स्ट और एक पेज ऐड कर लेंगे एंड सेम मैं ये PNG को दो
तो ये पीएनजी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड न्यू पेज पर पेस्ट कर दूँगा। एंड फिर और एक टेक्स्ट ऐड कर लूँगा एंड यहाँ पे भी सेम मैं अटेंशन लिख लूँगा, क्योंकि पीछे जो लेयर है उस पर अटेंशन पीएनजी फॉर्मेट में है तो मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए ताकि मैं कलर चेंज कर सकूँ। यहाँ से मैं कोई सा भी कलर चूज़ कर लेता हूँ, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर येलो ले रहा हूँ एंड लेयर पे जाके मैं इसको बीच में रख रहा हूँ एंड ऊपर ऊपर वाला लेयर रख रहा हूँ कुछ एस टाइप का एंड इसका जो पोजीशन है मैं एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर रख रहा हूँ। गाइस थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छी तरह करो तो ही परफेक्शन आएगा। अभी गाइस इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे, मैं ये वाला दे रहा हूँ ऊपर वाले लेयर को, मैं ये एनिमेशन दे रहा हूँ। सेकेंड वाले जो टेक्स्ट लेयर है उस पर मैं ये एनिमेशन दे रहा हूँ। थर्ड लेयर पे मैं ये वाला एनिमेशन प्लेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये। ये एक लोगो एनिमेशन भी हो सकता है। अब देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। इसी तरह से आप बहुत इनोवेटिव और भी चीज़ ला सकते हो कैनवा से, या आप मोशन ग्राफिक्स कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया पे जो मोशन ग्राफिक्स है डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेके ऐसा टाइप का एनिमेशन आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को।